बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों एक खबर को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है और वो खबर कुछ और नहीं बल्कि वो है उनका नया घर। एक्ट्रेस ने नया घर खरीदा, एक नए अपार्टमेंट में वो शिफ्ट हुई, लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये थी कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में शिफ्ट हुई है केरला स्टोरी फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा, और उसके बाद से ही अदा शर्मा लगातार चर्चाओं में है कि एक्ट्रेस ने आखिर यही घर क्यों चुना। आपको बता दें कि इस फ्लैट के ओनर का कहना ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद इस अपार्टमेंट को रेंट पर देना काफी मुश्किल हो गया था, लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे। लेकिन इसी बीच अब अदा शर्मा का वहाँ शिफ्ट हो जाना काफी सारे सवाल खड़े कर रहा था, और एक्ट्रेस ने अब इन सभी बातों पर अपना रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने हर उस सवाल का जवाब दिया है कि आखिर वो क्यों इस घर में शिफ्ट हुई, आखिर उन्हें यहाँ शिफ्ट होने के लिए किस चीज ने अट्रैक्ट किया। वेल, आपको बता दें कि अदा शर्मा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो इस फ्लैट में शिफ्ट इसलिए हुई क्योंकि उन्हें वहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगी। एक्ट्रेस का कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे वाइब्स काफी अट्रैक्ट करती हैं और मुझे वहाँ की वाइब काफी पॉजिटिव लगी, इस वजह से मैंने वो घर चुना। आपको बता दें कि अदा शर्मा का ये इंटरव्यू इस वक्त काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है, फैंस इस पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, लोगों की तरफ से उन्हें मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं, और वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफी खुश हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद अदा शर्मा काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई थी। बात करें अदा शर्मा की तो अपने इस इंटरव्यू के अलावा वो अपनी फिल्म्स को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। दरअसल द केरला स्टोरी की इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद लोग उनसे और ऐसी अच्छी फिल्मों की उम्मीदें लगा रहे हैं। एक्ट्रेस ने भी कई बार अपने इस इंटरव्यू में कहा था कि जिस सक्सेस की तलाश उन्हें सालों से थी वो द केरला स्टोरी ने उनको दी है। कहानी काफी दमदार थी जिसके बाद एक्ट्रेस बस्तर फिल्म में भी नजर आई जिसमें वो काफी बेहतरीन रोल प्ले करती नजर आई थी। नेक्सलिज्म पर वो फिल्म थी और फिल्म के अंदर एक्ट्रेस के रोल को काफी पसंद किया गया था। फिलहाल एक्ट्रेस इस वक्त बिजी हैं अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ है कहना, आपकी क्या है राय, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।